हवा महल पहुंच चुके हैं। अब हम यहां से उतरते हैं और हवा महल के अंदर एंटर करते हैं। हवा महल में विजिट करने का टाइम है सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक। तो लेट्स एंटर इनटू दी हवा महल। ये हवा महल की एंट्रेंस है। बड़ी खूबसूरत बुर्जियाँ बनाई हुई हैं ऊपर। बहुत लोग घूमने आए हुए हैं यहाँ पर। सो मैनी पीपल। सो मैनी पीपल हैव अराइव टू विजिट हेयर। ये आ गया है हमारा हवा महल। अभी ये लाइन में लग चुके हैं टिकट लेने के लिए। टिकट बहुत लंबी है। टिकट विंडो थोड़ी दूर है। उम्मीद है 5 मिनट टिकट मिल जाएगी। यहाँ पर एक ये टेम्पल है श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर। ये हमने टिकट ले ली है, 7 साल तक के बच्चे के लिए फ्री है। तो विशांत हमारे साथ फ्री जाएगा और एक मेंबर के ऊपर 50 रुपए की टिकट है। तो हमने 4 टिकट ली है और अब हम अभी अंदर एंट्री करेंगे। वेरी नाइस। तो ये हमारा हवा महल, अब हम इसमें एंटर करते हैं। हवा महल के हम अंदर एंटर कर गए अब टिकट लेने के बाद। नाउ दिस इज हवा महल। यहाँ पर बैठ के सब लोग बड़े मजे में हवा खाएंगे। गेट आइए। ये हवा महल है, जयपुर का हवा महल। चंद्रपोली गेट के अंदर अब हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ से हमने एंटर किया था हवा महल के बारे में सेकंड के लिए कैप्चर करेंगे ताकि आप उसको पढ़ पाओ। बिल्कुल। ये हवा महल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। आप लोग इसको स्क्रीन स्टिल करके पढ़ लीजिएगा। तो ये है हमारा ग्रैंड हवा महल। बताइए हवा महल के बारे में। अंदर म्यूजिक की कुछ आवाज आ रही है तो हम अंदर चल के देखेंगे क्या प्रोग्राम हो रहा है। शायद राजस्थान का कोई कल्चरल डांस होगा तो हम उसको एंजॉय करेंगे अंदर जाके। चलो विशांत आगे बढ़ो। क्विकली फटाफट जल्दी। ये इस गेट के अंदर एंटर करके देखते हैं अंदर क्या है। लेट अस गो इनसाइड। ये हवा महल का जो गेट के अंदर आके हमने देखा जो इसका फर्श है वो व्हाइट कलर का है। इसका जो फर्श है वो सफेद रंग का है। अभी बड़ी प्यारी बीच में खिड़कियां बनी हुई हैं। ये किस चीज की बनी है हाथ लगा देखो, पत्थर की है। सैंडस्टोन। अरे वाह, बैठ के पूरा नजारा देखती थी। तो महारानी साहिबा देखो जरा खिड़की अंदर गर्दन बाहर निकाल के क्या नजर आ रहा है। उधर दरवाजा बंद वाला है। महारानियां महल में रहके ही महान झांकी का नजारा देखती थी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ से झांकने में। पूरी मार्केट नजर आ रही है। ये मेन रोड है, वही मार्केट, वही रोड जहाँ से हम आए थे, ये वही मार्केट है। इस विंडो से सब नजर आ रहा है। तुम सब देख लो बारी बारी से। ये तब से बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत है। और यहाँ पर एक ही झांकी खुली हुई है, सारी झांकियाँ बंद है। वहाँ पर एक बहुत छोटी सी झांकी है, वो भी बंद है। कौन सी वाली दिखाओ। बहुत ज्यादा छोटी है। बहुत ही ब्यूटीफुल वॉक है।
सारा यहाँ पर ये रोशनदान बनाया हुआ है, बहुत प्रॉपर रोशनदान। ये यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों से चढ़ने के बाद ये फिर वही पूरा हवा महल का इंटीरियर है। ये वही छोटे छोटे रोशनदान, ये देखिए ये यहाँ पर भी रोशनदान बने हुए हैं, बड़े खूबसूरत रोशनदान। और यहाँ से अगर हम बाहर जाते हैं तो फिर यहाँ फिर वही रोशनदान है और भी। और ये शरद मंदिर, शरद मंदिर, बड़ी प्यारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे और इसमें ऊपर जाने का रास्ता है। फटाफट चढ़ जाओ ऊपर, क्विकली क्विकली क्विकली। ये हवा महल का टॉप है, ये रहा हवा महल, पूरा हवा महल, ये देखिए। दिस इज ऑल हवा महल। बहुत अच्छा खासा टूरिस्ट यहाँ पर आया हुआ है, बहुत लोग घूमने आए हुए हैं, आई थिंक फ्रॉम ऑल स्टेट्स। खिड़की से बाहर का पूरा त्रिपोलिया बाजार नजर आता है और जैसा कि आप जानते ही हो कि पूरा का पूरा जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ सारा का सारा गुलाबी रंग से दीवारें पेंट की गई हैं। अभी रास्ता और ऊपर है, थोड़ा और ऊपर जाते हैं, ये सीढ़ियाँ चढ़ के रैंप है बेसिकली। ये भाग के आ जाओ, भाग के ऊपर चढ़ जाओ। ये बिल्कुल गोल 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 स्लैम बना हुआ है, बिल्कुल गोल गोल। और इस पत्थर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए इस पे ऊपर से एक पतला सा कांच टाइप का कुछ चढ़ा रखा है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक है जो जिससे कि ये पत्थर बरकरार रहेगा। अब हवा महल के हम थर्ड फ्लोर पे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है ये। अभी हम इसके टॉप फ्लोर पे पर भी जाएंगे। दीज आर सम फॉरेनर्स।
इस जगह का नाम है विचित्र मंदिर, विचित्र मंदिर। वेरी गुड वेरी गुड। अभी हम और ऊपर जाएंगे, एक फ्लोर ऊपर और है अभी। अब इस रैंप पे गोल गोल चढ़ के फिर से ऊपर नीचे चले गए सीधा, फिर से ये गोल 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 ये टर्न होता जाता है, फिर टर्न आ गया, फिर से टर्न आ गया, फिर से टर्न आ गया, पांच टर्न, और ये फिर से टर्न आ गया, छठा टर्न है ये, सिक्स्थ टर्न, और ये सेवन्थ टर्न है, सातवां टर्न है ये, और फिर अब एट टर्न है, आठ टर्न, हर फ्लोर पर आठ टर्न्स हैं। अभी टोटल नौ या दस टर्न लेकर हम इधर आ गए हैं। अभी हम ऊपर वाली सीढ़ी पे भी जाएंगे जो ऊपर जा रही है बाद में, फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं इस फ्लोर पर क्या है। ये हवा महल का फ्लोर है, इसके ऊपर एक फ्लोर और है, अभी हर जगह यहाँ खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैं, विंडोज ही विंडोज हैं, झरोखे ही झरोखे हैं। आइए अब ऊपर चढ़ते हैं टॉप फ्लोर पे, आइए ही चढ़ेंगे। कम बहुत नैरो स्टेयर केस है, बहुत ही नैरो स्टेयर केस, लेट अस सी इसमें कैसे चढ़ेंगे। अभी बहुत ही नैरो स्टेयर केस है, बहुत ही नैरो, पूरी सिटी का व्यू नजर आ रहा है दूर, देयर इज अ बिग माउंटेन ऊपर, वो आमेर का किला है ऊपर, किला नजर आ रहा है, बहुत बड़ा फोटो, और ये सामने जंतर मंतर नजर आ रहा है बिल्कुल मिडिल में, आप देखेंगे स्क्रीन में तो जंतर मंतर है। हवा महल नीचे तक सारा दिख रहा है, हवा महल, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर का हवा महल। एक और विंडो आपको मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे पब्लिक ने तोड़ दी है बाकर उसको टच करके, एक खिड़की बची हुई है, आप देख पा रहे होंगे बड़ी खूबसूरत है ये, पहले के जब महल बना होगा तब की बनी हुई है। पतली सी सीढ़ी, और भी पतली सीढ़ी है, ओ गॉड, यहाँ से आप सीधे नहीं निकल सकते, आपको तिरछा ही निकलना पड़ेगा। अच्छा, ये सबसे पतली थी, बच्चों के यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ पे बच्चे जब बड़े होंगे
अरे भूमिका को बोलाओ, भूमिका को, भूमिका यहाँ आओ, आगे बढ़ो, आगे 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 आगे, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ पे इधर 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 हमने फोटो क्लिक कर लिया, यहाँ पे कोई जगह नहीं देगा, सबको जल्दी है फोटो क्लिक करने की, तो फिर नीचे चला जाए। हाँ नीचे चलते हैं, लेट्स गो टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम आपको फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय बाय। मुस्कुराना भूल गए, लगा के आग और बुझाना।